बैक टू माई चैनल मिस्टर किरण व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो अभी थोड़ी देर में आरती स्टार्ट हो जाएगी, तो आज का हमारा व्लॉग जो है मंडप से स्टार्ट होता है दुर्गा माता के साथ। अभी थोड़ा देर वेट करते हैं, फिर आरती स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा देखो नहीं लेने के। तो अभी थोड़ी देर पहले आरती वगैरह ख़त्म हो चुके हैं और आज मौसी और मम्मी कांचन ये लोग सब आए दुर्गा माता को चढ़ावा चढ़ाने। तो अभी ये लोग फटाफट चढ़ावा चढ़ाएंगे। काफ़ी लेट हो गए लोग, आरती में आए 2 मिनट और गए, फिर सब लेकर आए मार्केट जाकर। लेट हो गया उनको थोड़ा, तो हार वगैरह सब लेकर आए हैं। वेनी कांचन भी आई है। क्या है इसमें? अगरबत्ती, चुनरी, वेनी त्याच्यावर ठेव ना, कलशवर ठेव ना। हा तो सोनू दीदी, मुस्कान दीदी वही खड़े हैं, वो लोग पेड़ पड़ कर गए थे बाद में। और ये रहा घट, तो ये देखिए इसमें एकदम मतलब बड़े बड़े अभी आए, मतलब जो लगाते हैं ना, मुझे भी पता नहीं, बस इतना पता है घट में वो आता है, कुछ अनाज ही होगा। हेलो बोल, हेलो व्हाइट और ब्राउन है। सो गाइस देखिए मिठाई रख दी है, जो कि दुर्गा माता को हमने रख दिए, तो दुर्गा माता के नाम से हम लोग ही खा लेंगे मंडल के लड़के सब। और मौसी ने भी लाई है, तो आज मजे है सब लड़के लोगों के। A few moments later. तो अभी देखिए गाइस, यहाँ पर सब हम लोग ने ग्रोसरी वगैरह भाजी वगैरह लेके आए, वेजिटेबल वगैरह, बिकॉज कल भंडारा है यहाँ, दुर्गा माता की पूजा है, मतलब सत्यनारायण पूजा,
तो फिर कल भंडारा होगा, तो उसके लिए सब सामान लेकर आए। तो इसमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह, चावल, फिर सामने आटा वगैरह रखे हैं, और इधर सब तेल वगैरह है। तो कल के लिए सब सामान अभी जा जिसे मतलब वाशी से मतलब बाहर से लाए, बाकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, तो सब मंडल के लड़के लोग ने, हम लोग ने मिलकर सब सामान अंदर शिफ्ट कर दिया। अभी रात भर ऐसा रहेगा, कल शुरुआत हो जाएगी फिर बनाने। तो कल भंडारा है, फिक्स हो गया कल। तो चलो अभी फिलहाल जाते हम घर पे, बिकॉज अभी है मुस्कान दीदी का बर्थडे। तो फिलहाल लेके यहाँ पर चल रहा है पबजी खेलना, तो यहाँ पर ग्रुप करके सब पबजी खेल रहे हैं। सनी देखिए प्रोफेशनल बंदा, हाथ दिखा तेरी उंगली दिखा, देखिए दोनों उंगली में, क्या बोलते हैं उसको, स्लीफ। देखिए वो पहनकर खेल रहे हैं लोग। तो अभी बड़ा साहिल और छोटा साहिल दोनों गए केक शॉप केक लाने, बिकॉज मुस्कान दीदी का बर्थडे है ना, तो उसी के लिए वो लोग दोनों गए केक शॉप। फिलहाल मैं इधर रुका, वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग घर पे चले जाएंगे। फिलहाल हमारे लक्ष्मण भाई आए हैं, हेलो गाइस बोलो। तो अभी घर पे आ चुका हूँ मैं, और साहिल ने भी केक लेकर आया है। तो अभी चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एकदम सिंपल हमेशा की तरह। सब तैयारी में बैठे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुस्कान दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ढंग टका पकड़ भाई, ओके फ्रूट खा, हेल्दी रहे, केक भी क्या ऐसी उंगली चबा दी। तो हमेशा की तरह कांचन ने लाई है गिफ्ट, हाँ मतलब प्राची ने, उसके मम्मी ने भी, तो कांचन है ना यार। अनबॉक्सिंग जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग, चिल्लम चिट्टी बन प्लीज, उसकी रिएक्शन ले रहा था रे, हर बार मुंह टेढ़ा करती है। जल्दी जल्दी ओए, अच्छा साहिल ने भी लाया है क्या गिफ्ट, साहिल ने मैं गिफ्ट लाया है बहन के लिए। ओए ओ माय गॉड, इतने सारे गिफ्ट, क्या करें हम, तो मर जाएंगे। यार नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए कुर्ती, कलर मस्त है, कलर मस्त है। तो देखिएगा झटपट अनबॉक्सिंग थी ये, पर ये झटपट ना बहुत स्लो स्लो की, वाह मस्त दिख रहा है सामने से दिखा, वाह मस्त। चलो साहिल अपने गिफ्ट लाओ जल्दी, फिर अच्छा तो ये है अंकल की तरफ से, रात में भी अंकल ने गिफ्ट दिए थे मुस्कान दीदी को, ढेर सारी मनी। मेरे पापा ने दिया है मुझे शूज है, अच्छा स्पोर्ट्स शूज है ये, स्पार्क्स मस्त है। और ये है साहिल के तरफ से गिफ्ट, कपड़े ही हो गए उसमें भी, अरे यार मेरे को ऐसा लगता है मैं फाड़ दूँ सब, अरे वो नेक्स्ट टाइम भी काम आते हैं, पैसा बचत यार, पैसा बचत भयंकर। अनबॉक्सिंग तो कल डालो ना रे, ऐसा कल डालो के फाड़ दूंगा, अब भी डाल दो झटके पट हो जाएगी, मस्त। ये भी कुर्ती ये लगता, लगने भी कुर्ती अच्छा है, अभी से मत खोल, समझ गया ये कुर्ती है, फिर खड़ी करनी पड़ेगी, ये भी कुर्ती है। तो अभी दिखा तो दे, उसको पता है कुर्ती है, साहिल ने शायद से घर में की रहेगी रैपिंग, नहीं नहीं मस्त है।
दिख गई। और है ना। अच्छा महक ने भी लाई है क्या? तो जो है निकालो, ये महक के तरफ से और बाकी है। अच्छी बात है, मेरा भी बाकी है। अच्छा ये कवर है ब्लैक और देखोगे तो उस पे छोटी मुस्कान दी है। छोटी मुस्कान दी मतलब बचपन का फोटो है उसका, ये तो इसने कवर के पीछे लगा दी फटाक से। चिकन करी कुर्ता है, चिकन करी लखनवी कुर्ता, चिकन करी बोलते हैं। चिकन है ही नहीं उसमें, दिखा तो पिंक कलर है, सीधा बोल दो। मैं तो बोलता क्या चिकन कड़ी भी दी नहीं, करी करी, मैं चिकन करी बोली, इसको पता ना पड़े। बस इतने ही थे, सब मेरा ही है। अच्छा मम्मी ने, मम्मी ना कौन अपो वो मत नहीं करो, ऐसे दिखा दे मेरे पास में देती है। अबे वो सब कपड़े पूरा इतने थे। अच्छा अच्छा, तो ये ऐसे थैली में से मस्त असली सिला के लिए, सिला के लिए उसके पसंद का कपड़ा लेके सिला के लिए। तो खाना हमारा है तैयार, तो चलिए डिनर करते हैं। और आज के खाने में हमारा जीरका, जिससे हम जीरका मतलब पीनट मतलब सिंगदाने का रसा है मतलब कड़ी, तो आज है वही हमारे खाने में। तो चलिए फटाफट डिनर करते हैं, साथ में पापड़ और चावल। A few moments later. So guys, अभी थोड़े देर पहले हम लोगों ने मुस्कान दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, और कल है मेरी मम्मी का बर्थडे। तो दोनों का बर्थडे जो है एक दिन पीछे ही आता है, मतलब एक आगे पीछे आता है। तो 12 तारीख को मुस्कान दीदी का रहता है और 13 को होता है मम्मी का। तो 12 बजने आ चुके हैं, सिर्फ एक दो मिनट बाकी है। और यहाँ पर केक वगैरह लाए, अब करेंगे सेलिब्रेट। तो हमारे तो मजे है, दो दो केक खाने मिलते हैं। मम्मी मम्मी ओए मम्मी बोलते है बर्थडे वगैरह क्या करने का, हम तो बड़े हैं ये तो बर्थडे का थोड़े ऐसा का होता है कि छोटा बड़ा जो भी हो बर्थडे है तो सेलिब्रेट करो। तो ये है हमारा केक, मतलब मम्मी का बर्थडे केक, जिसे आप मम्मी कट करेंगे। और यहाँ देखिए मम्मी का रिएक्शन। हो गया 12 बज गए मम्मी। ओ भाई, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलो चलो मुस्कान दीदी माचिस मंदिर मंदिर। चलो रुको मम्मी, रुको रुको पहले स्पार्कल जलाने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। Birthday to you. मम्मी जी मैं केक नहीं खिलाऊंगा आपको, चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे खाओ, इतना क्या शर्मा रहे हो? काहे लाजा लाजा इतना? मेरे हाथ से खा लो पहले ये। थाम थाम खाओ देते। अच्छा ठीक है मम्मी का हाथ। चलो अभी पहले बहना का वही प्यार सब कुछ बहना का एकदम। मम्मा अरे मम्मी शर्माती है फिर क्या हमारे हाथ से नहीं खा रही।
तो चलिए बर्थडे हो चुका है सेलिब्रेट करके। तो गाइस कल रात जो हम अपना व्लॉग एंड नहीं कर पाया था बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना है मम्मी का, तो काफ़ी लेट हो गया था और उसके वजह से मैंने एडिटिंग वगैरह भी नहीं की थी। तो अभी जस्ट मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यही एंड करता हूँ और मिलता आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप गाइस आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।